बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है और इस टीम में कुछ सरप्राइजेस है। ये टीम अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हो सकता है कि इस टीम के कुछ मेंबर्स आपको इंडिया के सीनियर स्क्वाड में दिखे हैं, जो अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। स्पेशली तब जब रोहित शर्मा के साथ एक आप कह सकते हैं डाउट है कि शायद वो पहला टेस्ट मैच तो डेफिनेटली नहीं खेलेंगे और दूसरे टेस्ट मैच में भी वो अवेलेबल होंगे या नहीं, ये श्योर नहीं है। तो फिलहाल ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि रोहित शर्मा पहले दो टेस्ट मैचेस अवेलेबल नहीं होंगे। रोहित शर्मा टीम के कैप्टन तो है ही, साथ ही साथ वो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, ओपनिंग पोजीशन, जिसके लिए इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। हालांकि टीम में केएल राहुल और शुभमन गिल हैं जो पहले ओपनिंग कर चुके हैं, लेकिन इंडिया अब शायद नंबर तीन पोजीशन से शुभमन गिल को हटाना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स अगर शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है तो मेकशिफ्ट नंबर थ्री कोई खेल लेता है, लेकिन अगर शुभमन गिल अवेलेबल है तो उन्हें फिक्स नंबर थ्री स्लॉट पे खिलाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। तो शुभमन गिल से अब ओपनिंग कराने की तो बात ही नहीं उठती। और केएल राहुल की फॉर्म हम सबको पता है कैसी चल रही है, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलेंगे या नहीं यही वो अपने में बड़ी बात है, तो ओपनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वैसे में टीम ने दो ओपनर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है और अभिमन्यु ईश्वरन वाइस कैप्टन है, और इन दोनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है रणजी में। लेकिन यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का कैप्टन बनना कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो सीनियर क्रिकेटर हैं, काफी टाइम से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया को भी व्हाइट बॉल में काफी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आईपीएल टीम के भी कैप्टन है। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का ये जो प्रमोशन हुआ है, इट्स अ हाई साइन कि अभी शायद अभिमन्यु ईश्वरन सेलेक्टर्स की रडार में है, और अभिमन्यु ईश्वरन ने जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में दी हैं, ये बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए कि उन्हें इंडियन सीनियर स्क्वाड में होना चाहिए अगर एक भी ओपनर डाउटफुल है तो। रोहित शर्मा अगर दो मैचेस में अवेलेबल नहीं है तो मेरे ख्याल से अभिमन्यु ईश्वरन को डेफिनेटली मौका देना चाहिए। इनफैक्ट अगर मतलब अब तो खैर इट्स टू लेट, लेकिन अगर मौका था तो उन्हें डेफिनेटली न्यूजीलैंड के खिलाफ भी किसी मैच में अगर एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। बट एनीवेज अभिमन्यु ईश्वरन स्क्वाड में है, ये टीम पहले मकाए और फिर मेलबोर्न में दोनों जगह एक एक फर्स्ट क्लास मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, और उसके बाद जब इंडियन सीनियर टीम वहां पहुंचेगी तो इंडिया सीनियर्स और इंडिया ए के बीच एक 3 डे गेम होगा जिसमें वो प्रिपेयर करेंगे अमंग देमसेल्व्स। हो सकता है कि इंडिया ए के कुछ प्लेयर्स जो सेलेक्टर्स की रडार में हो उस मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेलेक्ट हो सकते हैं। और इस टीम में जो तीसरी इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है वो है डेफिनेटली ईशान किशन की, जिनके बीसीसीआई से बहुत दिनों से मसले चल रहे थे। बीसीसीआई ने उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया था और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा था, और डोमेस्टिक क्रिकेट में आते ही ईशान किशन ने दिखाया कि वो उनमें कितना टैलेंट है। उन्होंने अलग बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, फिर दिलीप ट्रॉफी और अब रणजी ट्रॉफी, तीनों में सेंचुरीज बनाई रेड बॉल क्रिकेट में, और अब वो इंडिया ए टीम में सेलेक्ट हो गए हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव मूड। इट्स गुड कि ईशान किशन ने रियलाइज किया कि उन्हें बीसीसीआई से झगड़ा नहीं करना बल्कि बीसीसीआई के कहे को मानना है, और तभी वो टीम में रह सकते हैं। एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट लेसन फॉर पीसीबी एज वेल, जहां पे वो प्लेयर्स को इतना पावर दे देते हैं कि प्लेयर्स बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन बीसीसीआई किसी भी प्लेयर को अपने आप को ब्लैकमेल करने नहीं देती। ईशान किशन ने 2 साल पहले ओडीआई फॉर्मेट में एक जबरदस्त डबल सेंचुरी बनाई थी, इनफैक्ट वो शायद हाईएस्ट रन स्कोरर बन सकते थे, 300 भी बना सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ 36 ओवर में 210 बना के आउट हो गए थे। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि ईशान किशन जैसी मन मर्जी चाहे बिहेव करें। बीसीसीआई ने डिसिप्लिन पे कंट्रोल रखा और जहां जरूरत पड़ी ईशान किशन से कॉन्ट्रैक्ट तक छीन लिया, और ईशान किशन जो वर्ल्ड कप भी 2023 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच भी खेले थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच खेले थे, उसके बावजूद ईशान किशन को इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट से स्क्रैप कर दिया गया। तो इट इज अ गुड थिंग कि बोर्ड जो है वो प्लेयर्स के डिसिप्लिन पे कंट्रोल रखती है, एंड इट्स गुड कि ईशान किशन ने वो गलतियां नहीं की जो पृथ्वी शॉ या विनोद कांबली, थोड़े दिन पहले की बात करूं तो उन्होंने की थी अपने टाइम पे। उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया और अब वो वापिस सेलेक्टर्स की रडार में आ गए। आपको बता दूं कि पृथ्वी शॉ का नाम इसमें नहीं है और पृथ्वी शॉ को अभी रणजी टीम से भी निकाल दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। उन्हें बोल दिया गया है साफ साफ अपनी मुंबई की टीम की मैनेजमेंट की तरफ से कि वो जाएं अपनी फिटनेस पे काम करें, अपना वेट कम करें, तभी वो टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये पृथ्वी शॉ के लिए एक और सेटबैक है, जो कि एक टाइम पे जब उन्होंने इंडिया डेब्यू किया था और डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी तो ऐसा लगा था कि ये फ्यूचर के प्लेयर हैं। कुछ लोग उन्हें सचिन से, कुछ सहवाग से, कोई बड़े बड़े लेजेंड से कंपेयर कर रहा था, और अब पृथ्वी शॉ को रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है।
विच इज रियली सैड, क्योंकि पृथ्वी शॉ भी एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है। मैं होप कि वो अपनी फिटनेस पे काम करें, और अभी भी उनके पास इतना टाइम है क्योंकि वो अभी भी काफी यंग है, वो अभी भी चाहें तो एक कमबैक कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स हैं। यश दयाल जिनको कि इंडियन टीम में बांग्लादेश टूर के लिए लिया गया था मगर अभी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए रिलीज कर दिया गया था, वो इंडिया ए स्क्वाड में है। आपको बता दूं कि इंडिया एक बहुत टाइम से एक लेफ्ट आर्म सीमर चाह रहा है टेस्ट क्रिकेट में, और यश दयाल से उम्मीद थी कि शायद यश दयाल को मौका दिया जाएगा इस सीरीज होम सीरीज के दौरान, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है। और खलील अहमद भी इस इंडिया स्क्वाड में है, तो मे भी शायद इनमें से कोई एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए पिक हो सकता है एज अ लेफ्ट आर्म सीमर। शमी के फिटनेस के ऊपर भी यही अपडेट आई है कि शमी ने उस दिन बैंगलोर में मैच के खत्म होने के बाद उसी पिच पे थोड़ी देर बॉलिंग की थी लगभग 2 घंटे, जहां पे मॉर्ने मॉर्कल और अभिषेक नायर दोनों उन्हें देख रहे थे और ऑलमोस्ट वो फुल टिल्ट पे बॉलिंग कर रहे थे। तो हो सकता है कि वो आपको अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखे, और अगर वहां पर वो ठीक परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो फिर वो भी शायद सेलेक्टर्स की रडार में आ जाएंगे। एंड ऑफकोर्स शमी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनके सिर्फ फिटनेस के ऊपर डाउट है, और जैसे ही वो उनकी फिटनेस क्लियर होती है वो टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाते हैं। एक बार टीम पे नजर डालते हैं, इंडियन टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जैसा मैंने आपको बताया, साई सुदर्शन जिन्होंने अभी एक डबल सेंचुरी बनाई थी वो भी स्क्वाड में आ गए हैं। तो 3 ओपनर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ऑफकोर्स, और वो धीरे धीरे नीतीश कुमार रेड्डी काफी राइज कर रहे हैं। अब देख लीजिए वो रेड बॉल स्क्वाड में भी आ गए हैं फॉर इंडिया ए टूर, और अगर यहाँ ये परफॉर्म कर जाते हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके साथ ट्रैवल करता है तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए। देवदत्त पदिकल, रिकी भुई, बाबा इंद्रजीत, ईशान किशन, अभिषेक पोरेल दूसरे विकेट कीपर हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, मुकेश कुमार, खलील अहमद, यश दयाल, नवदीप सैनी, मानव सुतर, ये सारे फास्ट बॉलर्स, और तनुष कोटियान। तो ये एक इंटरेस्टिंग टीम है, देखते हैं कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या कमाल करती है। इंडिया ए फिलहाल एक दूसरी टीम इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है, जहां पर मैं उनकी फील्डिंग देख के बिल्कुल हैरान हूं कि इंडिया ए टीम में इतनी जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। कल भी यूएई के खिलाफ मैच में रादर 2-3 आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े हैं उन्होंने बाउंड्री पे। एक तो आयुष बदोनी ने पकड़ा, वो अगेन एक फुल लेंथ डाइविंग स्टनिंग कैच एट द बाउंड्री लाइन था, और रमनदीप का कैच तो पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से वो इतना वायरल हो चुका है। तो जबरदस्त फील्डिंग चल रही है इंडिया ए की, लेकिन वहां राहुल चहर की बॉलिंग देख के मैं हैरान हूं कि उनकी बॉलिंग कितनी गिर गई है। जहां पे सारे बॉलर्स जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, कल यूएई 106-107 पे ऑल आउट हो गई, वहां पर भी राहुल चहर ने 4 ओवर में 40 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें सिर्फ 1 ओवर दिया गया था जिसमें 12 रन बनाए थे। तो अगेन वो एक ऐसे बॉलर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन अब बॉलिंग इतनी गिर चुकी है कि अब इंडिया ए मैचेस में भी वो यूएई के खिलाफ ही रन स्लिप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल चहर को भी संभाल के बॉलिंग करना चाहिए, इस बार मेगा ऑक्शन है, और जिस तरीके की उनकी बॉलिंग हुई है कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल चहर को या तो बहुत कम पैसों में कोई टीम खरीदेगी, या कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें कोई खरीदे ही ना। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।